सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने वाले का इरादा हो तो यकीनन कीमत बढ़ती है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों ये वीडियो आज की जो है वो करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ की जो है अगस्त मंथ की दूसरी वीडियो है, जो कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है वो कवर करने वाली है। दोस्तों ये सभी ऑथेंटिक सोर्सेज लाइव मिंट हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस PIB लाइव मिंट सभी ऑथेंटिक सोर्सेज से हम कवर कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के जो हैं वो हैं 370 आर्टिकल और जम्मू एंड कश्मीर सरोगेसी अमेंडमेंट बिल फेम इंडिया स्कीम टाइगर सेंसस प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA। इसके अलावा भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो भी हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों ये जो आज का मैं उस वीडियो शुरू कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हमारा चल रहा है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो कृपया 9994943600 पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक आ चुका है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो ये प्रेसिडेंट ने जो है अपनी पावर्स का यूज़ किया है आर्टिकल 370 के अंतर्गत टू अल्टर द फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ आर्टिकल 370 और सारे सेंट्रल लॉज जो हैं और ट्रीटीज़ जो हैं जम्मू और कश्मीर तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो इसने जो है 370 आर्टिकल को जो है केवल स्टैट्यूट बुक्स में अब रहेगा और इसके अलावा जो है सारे सेंट्रल लॉज आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे और जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी दो में जो है डिवाइड हो चुका है। तो बिल और क्या क्या स्पेसिफाई करता है दोस्तों? बिल दोस्तों ये स्पेसिफाई करता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके होंगे और ये आर्टिकल जो है जो अभी अमेंडमेंट है वो 1954 के ऑर्डर को जो है वो निकाल देता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को जो है सीज करते हुए पार्लियामेंट्री लॉज को वहाँ एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिला है लाइक और पार्ट की तरह जो है जम्मू कश्मीर में भी रिजर्वेशन अब लागू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 370 जो था डिस्क्रिमिनेटरी किस बेसिस पे माना जा रहा था? जेंडर, क्लास, कास्ट और प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेस पे, इसी को लेकर ये अमेंडमेंट जो है बेसिकली लाया गया है। तो आर्टिकल 370 एक ब्रीफ में हम बात करते हैं तो गवर्नर ऑफ इंडिया जो है अगस्त 5 को जो है रिवोक कर देते हैं आर्टिकल 370 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इससे होता क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं। होने को तो ये नक्शा इस प्रकार से है बट दोस्तों जो वास्तव में अभी POK वाला एरिया है और जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो रियल मैप है वो इस तरीके का दिखेगा, लद्दाख जो है बिना यूनियन टेरिटरी के है और जम्मू एंड कश्मीर जो है विथ असेंबली होगा। तो इसका एरिया जो है ये 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर, तो पॉपुलेशन होगी पॉपुलेशन पूरी, और यहाँ देखिए पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है वो ज़्यादा है बजाय कि 2.75 लाख जो कि लद्दाख की पॉपुलेशन है। तो जम्मू कश्मीर जब इसमें रिवोकेशन हो गया आर्टिकल 370 का तो अब ड्यूअल सिटीजनशिप हट चुकी है, कंट्रोल ऑफ लॉज डायरेक्टली सेंट्रल लॉज जो है डायरेक्टली अप्लाई होंगे और सेपरेट लॉज बिल्कुल नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के लिए। इंडियन सिटीजन जो है कोई भी स्टेट से आप वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोई भी दो झंडे नहीं होंगे, एक विधान एक निशान होगा और इलेक्शन जो है हर 5 साल में होंगे और सेंटर जो है अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 368 जो है वो डिक्लेयर कर सकता है और पुलिस जो है मैनेज की जाएगी अब सेंटर के द्वारा। तो आगे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब स्टेट जो है टू यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है, जम्मू कश्मीर विथ असेंबली और लद्दाख असेंबली जो होगी वो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को लेते हुए जिसकी असेंबली नहीं होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाएंगे उनके द्वारा किया जाएगा। अब ये बिल के फीचर्स क्या हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 10% ऑफ मेम्बर्स होंगे टोटल मेम्बर्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो सारे डिसीजन उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है कम्युनिकेट करने होंगे, और हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो कॉमन हाईकोर्ट होगा दोनों के लिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी एज वेल एज लद्दाख यूनियन टेरेटरी। अब देखिए जो इसके अगले फीचर्स हैं वो ये हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 10% असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकते, और ये हम बात कर चुके हैं, सॉरी दोबारा से मैं ये स्लाइड लगा दिया। तो अब ऑटोनॉमी की जो है बात करते हैं, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की, तो आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है कि आर्टिकल 3 जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का ये अपने आप में डिक्लेयर करता है कि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का प्रेम्बल है वो भी ये क्लेम करता है कि
कोई भी सोवरेनिटी क्लेम नहीं करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और आर्टिकल 371C जो कहता है, ये प्रोविज़न आप सभी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स में भी शायद ये आपके बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। तो आर्टिकल 371C जो है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे हाल ही में अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, तो एक मित्र थे उनसे, वो बीपीएससी का सॉरी हरियाणा पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे यह क्वेश्चन कर दिया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्टिकल कौन सा यूज़ किया था। ये आपके लिए भी आज का प्रश्न है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच आर्टिकल वॉज यूज बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट ऑफ अयोध्या वर्डिक्ट। तो प्लीज़, अयोध्या वर्डिक्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आर्टिकल 371C जो है प्रोविजन जो है इंसर्ट करता है आर्टिकल 1 को, ऑफ द आर्टिकल शेल अप्लाइड इन रिलेशन टू द स्टेट। तो आर्टिकल 371C ये क्लियरली डिपिक्ट करता है, तो ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन में ये बात थी। इसके अलावा देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 15% है जनवरी 2016 से 19 के बीच में, ये तो ये बड़े इंप्लॉयमेंट लाएंगे वहाँ। और मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो प्रभावित हो रही हैं स्टेट में, तो इसको हटाने के लिए हटाने के बाद जो है स्टेट में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। इसके अलावा देखिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है ये इस कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूव जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये एब्रप्ट मूव है जो कि सेंटर द्वारा जो है विदाउट सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखे हुए लिया गया है, और मैसे वहाँ पे मिलिट्री मैशअप काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है कुछ सीनियर्स लीडर को जो है पॉलिटिकल लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया है, ये इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इनको मीन्स आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन है वहाँ शट डाउन किया गया है, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक कल्चर है वहाँ की पॉलिटिक्स है, इस पर जो है बहुत ही एडवर्स इफेक्ट यहाँ इस चीज़ का पड़ सकता है। तो दोस्तों ये इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड डिवाइडिंग द जम्मू एंड कश्मीर इंटू टू यूनियन टेरिटरीज। प्लीज़ राइट द आंसर एंड गिव द आंसर्स टू अस। अब देखिए इसके बाद ऑटोनॉमी के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने वाले हैं, ये भी देखने वाला बात होगा। तो आज का मेंस का क्वेश्चन आपका है, टू व्हाट एक्सटेंट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियरिंग मार्जिनल नोट टेम्प्रेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेम्प्रेरी, डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन इन कंटेक्सट ऑफ इंडियन पॉलिटी। दोस्तों ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप इसको लिखने का ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये उदाहरण के लिए इसे डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देती है। तो देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो कृपया ट्राई करें कि इसको लिखें, या फिर आप जो है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको जो अपने मेन आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें दे दूंगा, आप उसमें लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है सोरोगेसी का, तो दोस्तों सोरोगेसी के बारे में बात करते हैं। तो सोरोगेसी जो बिल 2019 है वो पेश किया गया है, जो अभी अभी राज्यसभा में भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है दोबारा से, जो अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है। तो सोरोगेसी कमर्शियल सोरोगेसी को जो है बैन करती है, और बट जो अल्टियोरिस्टिक सोरोगेसी है जो कि मॉनेटरी कंपेंसेशन और पे नहीं करती है सोरोगेट मदर को, वो अलाउ करती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कपल के लिए, वो कपल जो है उनको एटलीस्ट 5 साल शादी किए हुए होने चाहिए, और एज होनी चाहिए 23 से 50 साल, और इनकी वाइफ जो होनी चाहिए वो 26 से 55 साल होने चाहिए, 26 से 55, और हस्बैंड जो है दोनों को इस एज ग्रुप के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो 23 से 50 जो है वाइफ की एज होनी चाहिए और 26 से 55 जो होनी चाहिए हस्बैंड की एज होनी चाहिए, और उनके पास एक भी जो है सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए अडॉप्टेड या फिर सोरोगेट। और इसके अलावा जो है जो इसमें जो है चाइल्ड उसको इंक्लूड नहीं किया है जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर कोई भी लाइफ डिजीज से जो है सफ़र करता है। इसके अलावा जो सरोगेट मदर है उसको जो है क्लोज रिलेटिव होना चाहिए इंटेंडेड कपल का। इसके अलावा मैरिड वुमेन जो है अपना अगर चाइल्ड है तो 25 से लेके 35 साल की अगर सरोगेट मदर मैरिड वुमेन जो होनी चाहिए उसके पास चाइल्ड होना चाहिए 25 से लेके 35 साल तक के बीच में। इसके अलावा सरोगेट उसके बाद सरोगेट जो है वो एक ही बार हो सकती है पूरी लाइफ टाइम में। उसके बाद जो है उसके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकोलॉजिकल फिटनेस फॉर साइकोलॉजी सोरोगेसी के लिए। तो ये जो प्रोविजंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिग्नेंट है। इसके अलावा देखिए सोरोगेसी अमेंडमेंट बिल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सोरोगेसी किन केसेस में परमिटेड है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इंटेंडेड कपल जो है इनफर्टिलिटी प्रूव करते हैं, अल्टरिस्टिक सोरोगेसी जो है वो जो है परमिटेड है, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, और
नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन फॉर सेल प्रोस्टिट्यूशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये बिल्कुल भी जो है प्रोहिबिटेड है, फॉर एनी कंडीशन और डिजीज स्पेसिफाइड थ्रू रेगुलेशन, तो इसके लिए भी जो है सरोगेसी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा देखिए एलिजिबिलिटी फॉर इंटेंडेड कपल क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उनके पास होना चाहिए, एसेंशियलिटी और एलिजिबिलिटी दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एसेंशियलिटी जो है वो इन कंडीशन के फुलफिलमेंट पे इशू किया जाएगा कि जो है उनके पास जो है प्रूवन इनफर्टिलिटी होनी चाहिए दोनों मेंबर्स के पास इंटेंडेड कपल के, बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। इसके अलावा देखिए एक ऑर्डर परसेंटेज, एन ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज और कस्टडी होना चाहिए ऑफ द सोरोगेट चाइल्ड पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसके अलावा देखिए इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए 16 मंथ का फॉर कवरिंग पोस्ट पार्टम डिलीवरी ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सोरोगेट मदर। तो ये आपको जो है ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए मीन्स के हिसाब से। इसके अलावा देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कपल जो है वो इन कंडीशन की फुलफिलमेंट पे इशू होगा, जो कि हैं कपल जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए और मैरिड करे हुए उन्हें 5 साल होने चाहिए। इसके अलावा 23 से 50 साल वाइफ और 26 से 55 साल मेल की एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उनके पास कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है चाइल्ड मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड और इल या क्रोनिक डिजीज से सफ़र करने वाले चाइल्ड जो हैं वो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। और अगर बाकी जो कंडीशंस है वो कि रूल्स के द्वारा जो है स्पेसिफाई करी जा सकती हैं। अब देखिए जो सुरोगेट मदर है उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है, वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, इसके अलावा मैरिड वुमेन के पास एक अपना बच्चा होना चाहिए, इसके अलावा 25 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, और सुरोगेट मदर जो होनी चाहिए वो केवल एक बार होनी चाहिए, और इनके पास प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल साइकोलॉजिकल फिटनेस होना चाहिए। इसके अलावा सुरोगेट मदर अपने गैमेट्स जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकती फॉर सुरोगेसी, और मैच्योर मेल और फीमेल जर्म सेल जो है वो यूनाइट कराए जाएंगे विद द अपोजिट सेक्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म जायगोट। तो ये जो है पूरी प्रोसेस भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दी है कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो है सोरोगेसी में जो है वो करता है तो उसके लिए क्या ऑफेंसेस है, देखिए इसमें जो है कोई भी अगर ऑफेंसेस किस किस चीज़ों में लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है या फिर अंडरटेक करता है सोरोगेसी और एक्सप्लॉइट करता है सोरोगेट मदर को, एबडोनिंग एक्सप्लॉइटिंग एंड डिसओनिंग सोरोगेट चाइल्ड। इसके अलावा देखिए सेलिंग इंपोर्टिंग ह्यूमन एम्ब्रियो और गैमेट्स फॉर सोरोगेसी, और इस चीज़ पे जो है 10 साल का फाइन और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है वो दिया गया है। तो आगे जानते हैं इसका जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है। तो इट इज़ विटनेस दैट कंसर्निंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर, अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी एंड रैकेट्स इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज इंपार्टिंग ह्यूमन एम्ब्रियोस एंड गैमेट्स, और जैसा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस थी। 228th लॉ कमीशन रिपोर्ट को आप जो है मेन्स आंसर राइटिंग में कोट करेंगे कि जो है दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट बाई 228th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दैट देयर हैज़ बीन विटनेसिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस एज वेल एज अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर अलॉन्ग विद द अबैंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी। और तो ये बहुत ही आपके मेंस के लिए रिलेवेंट हो जाता है। तो आप जो है इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि लोकसभा रिसेंटली पास्ड सोरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 डिस्कस द नीड प्रोविजन एंड कंसर्न रिगार्ड टू द बिल। तो हाल ही में लोकसभा ने सोरोगेसी विनियम विधेयक 2016 पास किया है। विधेयक के संदर्भ में जरूरत प्रावधान एवं चिंताओं पर चर्चा कीजिए, इसको आप 2019 करके दोबारा से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके बिल्स के प्रोविजंस जितने भी हैं हम आपको डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए अगली बात हम करते हैं फेम इंडिया स्कीम की। तो फेम इंडिया स्कीम क्या है दोस्तों, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। तो ये जो है ये एक पार्ट है एनी MMP का पार्ट है, और ये जो स्कीम है वो फोकस करती है 4 एरिया में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड क्रिएशन, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो सेकंड फेज ऑफ फेम इंडिया स्कीम क्या है,
इसमें ये अगले 3 सालों में जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है, फ्रॉम 2019 टू 2021-22। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल अंडर द क्रिएशन एंड इंडिजनाइजेशन। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा लोकल मैनुफैक्चरिंग, स्पेशल इंसेंटिव विल बी गिवन टू द लोकल मैनुफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्पेशली विद द लिथियम आयन बैटरीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रेस करता है वो स्ट्रेस करता है बेसिकली इंडिजनाइजेशन ऑफ, मतलब पूरे देश के, मतलब उसको इंडिजनाइज करने की जो है बात करता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की बात करता है, और ईवी वैल्यू चेन की जो है इंडिजनाइजेशन की बात करता है। और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में जो है चार्जिंग नेटवर्क के जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। और फेम टू स्कीम के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनसे एसिड बैटरीज निकाल के लो स्पीड पावर बैटरीज जो हैं वो लगाई जाएंगी। और फेज़ टू जो इसका होगा वो इसलिए अचीव किया है, वो इस पर फोकस कर रहा है कि 30% ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो पूरे इंडिया में हो, मोर देन 30% हो। और ये रियलिस्टिक गोल है इन कंपैरिजन ऑफ 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय 2030। ये बहुत ही फेज़ टू में जो है ये बात जो कही गई है वो काफ़ी रियलिस्टिक जो है ऑथर्स बता रहे हैं। तो फेम इंडिया स्कीम क्या है, फास्टर अडोप्शन ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये टॉपिक जो है आपका कवर होता है एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो ये फेज़ टू जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा जो है शुरू किया गया है, अप्रूव्ड जो है इसमें सेंक्शन ऑफ 5945 इलेक्ट्रिक बसेस इन 64 सिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ में जो है वो शुरू किए गए हैं। तो फेम फर्स्ट स्कीम जो थी वो आपका होमवर्क है, जिसमें कि जो कि चली थी अप्रैल 1 2015 से लेके 31 अप्रैल 2017 तक, तो ये एक्सटेंड हुई थी 31 मार्च 2019 तक। तो आपका ये होमवर्क है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वो की गई थी, क्योंकि कुछ हेल्प आप लोगों को भी करनी होगी, इनिशिएटिव आपको भी लेना होगा। हम आपको ये होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है इस पर जो है काम करें और आपके दिमाग में ये जो है फेम इंडिया स्कीम के बारे में सब कुछ जो है आ जाए। तो पर्पस स्कीम का क्या है, फेम इंडिया जो है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फेम टू जो है वो एम करती है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन द कमर्शियल फ्लीट्स। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो इसके फीचर्स हैं उनमें है कि इसके अलावा जो फीचर्स हैं उसमें बात की जा रही है कि 10 करोड़ व्हीकल्स जो हैं 2022 तक बना लेंगे। इसके अलावा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, 2-3 व्हीलर्स के लिए और कमर्शियल पर्पज़ के लिए। लिथियम आयन बैटरी भी इसमें जो है पूरी तरीके से इंक्लूडेड की गई हैं। तो आगे देखते हैं, फेम टू स्कीम जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इन्वेस्टमेंट इससे जो है पड़ेगा चार्जिंग स्टेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है काफ़ी हद तक जो है सुधार आएगा। इसके अलावा देखिए, स्लो चार्जिंग यूनिट को जो है प्रपोज किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक बस और 1 फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है 10 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जो है वो सेटअप करने की बात की गई है। तो इसमें जो है इनक्रेज करना चाहिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है दोस्तों। फेम इंडिया जो है पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान का, जो कि थ्रस्ट करता है 4 मेजर एरियाज़ पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट जो है आप याद कर लीजिए कि फेम इंडिया स्कीम जो है किस चीज़ पर फोकस करता है, और इस पर आप जो है नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फेम इंडिया स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू प्रोवाइड द फिजिकल एंड मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ मार्केट क्रिएशन ऑफ बोथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी व्हीकल्स इन द कंट्री। और इट वॉज लॉन्च इन 2014 अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान। द स्कीम प्रपोजेज टू गिव पुश टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द ऑप्शन फॉर दिस आर 1, 1 and 2, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। द आंसर्स ऑफ दिस विल बी गिवन ऑन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल कम, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, बट टिल देन यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अभी जो है टाइगर एस्टिमेशन की जो है नेक्स्ट टाइगर एस्टिमेशन जो है किया गया है हाल ही में, जो रिसेंट वाला है। तो ये फोर्थ टाइगर एस्टिमेशन था, जिसमें कि इंडिया में जो है 2976 टाइगर होने की जो है बात की जा रही है दोस्तों। तो जो इतने टाइगर्स हैं
तो मध्य प्रदेश में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 576 जिनका नंबर है, फॉलोड बाय कर्नाटका 524, उसके बाद उत्तराखंड 442 के साथ तीसरे नंबर पे है। चंडीगढ़ और मिजोरम में जो है टाइगर पॉपुलेशन में जो है लगातार डिक्लाइन आया है, और बाकी सभी जितने स्टेट्स हैं उन्होंने जो है इंक्रीज जो है शो किया है। और ये फोर्थ अपने आप में चौथा जो है टाइगर एस्टिमेशन है 2006 के बाद। और पेंच रिजर्व इन मध्य प्रदेश जो है उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर वो किए हैं। सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु ने जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर में इम्प्रूवमेंट देखा है। मध्य प्रदेश के पेंच सेंचुरी और केरला की सेंचुरीज ने जो है इम्प्रूवमेंट देखा है। टाइगर रिजर्व ऑफ बांदीपुर नगर होल बिलिमारी रंगनाथ स्वामी टेम्पल काली पेरियार इन सभी जगह जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ी है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं टाइगर सेंसस 2018 की। तो इसमें क्या है, इंडिया ने 2967 टाइगर में जो है 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल टाइगर की इंडिया में है, तो इसमें जो है टोटल इंक्रीज हुआ है। और इंडिया ने जो है अपना टारगेट जो है समय से पहले अचीव कर लिया है, टू डबल द टाइगर्स पॉपुलेशन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट समिट हो जाता है 2010 का पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके यूपीएससी एक स्टेटमेंट करती है। तो आप ये देख लीजिए कि 13 टाइगर होम रेंज कंट्रीज जो हैं उनमें जो है आई और उन्होंने जो है टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने की बात 2022 तक की। इसमें जो है बांग्लादेश भूटान कंबोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया मलाया म्यांमार नेपाल रशिया थाईलैंड जो है वियतनाम ने जो है ये साइन किए थे। तो जो है इंडिया ने जो है अपना टारगेट सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है वो पहले ही देख लिया। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जितने भी हैं वो हमने इस मैप में आपके लिए छोड़ दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ, तो कृपया वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए स्टेट वाइज टाइगर की जब हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के पास हाईएस्ट टाइगर हैं विद 526 फॉलोड बाय कर्नाटका 524 उत्तराखंड 442। पेंच इन मध्य प्रदेश जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट है। चंडीगढ़ और मिजोरम में जो है डिक्लाइन है। उड़ीसा जो है अभी कॉन्स्टेंट है। इसके अलावा बाकी स्टेट जितने भी हैं उनमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अब इसका प्रीलिम्स का सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है डी 2967 दोस्तों। तो ये क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है, बट इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने सैंपल क्वेश्चन इंसर्ट किया था। तो देखिए अब प्रोजेक्ट टाइगर इसकी बेसिक्स पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 बाय इंदिरा गांधी। तो ये 1970 में जो थी टाइगर पॉपुलेशन 1800 थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था जिम्पो कॉर्बेट पार्क में। विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो किया गया था वो एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो है वो किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एम करता है टू हैव अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इसके अलावा जो है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसमें जो है बनाई गई थी टू कम्बैट द पोचर्स एंड फंडिंग फंडेड रिलोकेशन ऑफ दोज टाइगर्स, इससे ताकि जो है ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम किया जा सके। तो इसके अलावा देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 2006 के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज के जो है परफॉर्मिंग फंक्शंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश की गई थी। और यह प्रेजेंटली जो एम करती है टू हैव द इम्प्लीमेंट द टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लाइक प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर कंजर्वेशन प्लान एक्सेट्रा। तो आगे देखते हैं देखिए एनटीसीए के बारे में, तो ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड इन 2005, इसका स्टेटस जो है स्टैट्यूटरी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है इसके एनटीसीए के चेयरपर्सन है। इसके फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो टाइगर कंजर्वेशन इसका फंक्शन है, और इट्स मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान को जो है हेल्प करना है, अप्रूव करना है पूरे जो कि स्टेट के द्वारा जो है बनाया जाता है। उसके बाद ये इसको एवेल्यूएट भी करता है फॉर सस्टेनेबल इकोलॉजी, और अगर इसको डिसअलाउ करना होता है कि अगर अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ हो रहा है तो उसको डिसअलाउ भी ये कर सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन टाइगर्स के लिए जो है वो लॉन्च किया। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 50 टाइगर रिजर्व को जो है वो एट प्रेजेंट जो है कवर करता है। तो MR ट्रिप्स क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये एक नया ऐप है जो कि टाइगर पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है MStripes। तो द एप्लीकेशन जो है वो फॉरेस्ट गार्ड्स को GPS एनेबल्ड डाटा कैप्चर करने में हेल्प करता है
टाइगर की साइट्स, टाइगर की डेथ, वाइल्ड लाइफ क्राइम, इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जिस टाइम वो पेट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर, यानी कि स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर SECR, और एक्सट्रैक्ट और उसको कंपेयर करना विथ हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट टाइप्स फ्रॉम द टाइगर ऑन द डिफरेंट पैटर्न। तो मतलब ये क्या करता है, टाइगर्स की जितनी भी लोकेशंस होती हैं उन लोकेशंस के आधार पे जो है स्ट्राइप्स लेता है, यानी कि उनकी लोकेशन पे जो है एक स्ट्रिप्स बना देता है कि इस लोकेशन से जो है टाइगर जाता है। तो MR स्ट्राइप्स जो है उसको GPS लेवल पे जो है एक मैप बना देता है कि ये एरिया जो है टोटली जो है टाइगर के नेविगेशन के लिए पूरी तरीके से इनहैबिटेबल और है, और पूरा टाइगर जो है इस एरिया में जो है घूमते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद कि हमारे 1000+ सब्सक्राइबर आप लोग कर चुके हैं। और दोस्तों जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पर आप IAS को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर आप हमसे आप IAS 14 पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप IAS सर्च कीजिए, वहाँ पर इस डिस्कशन का जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप IAS.help@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9994-494-360। आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कृपया हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, क्योंकि हम आपको सभी ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है आपके लिए, इसके अलावा मेन आंसर राइटिंग जो भी हम कर रहे हैं, तो ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा UPSC क्वालिफाई करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो में।